भागलपुर सदर एसडीओ कार्यालय परिसर स्थित सभागार में माघी पूर्णिमा, शबे बरात और आगामी लोकसभा चुनाव समेत अन्य पर्व त्योहार को लेकर शुक्रवार को भागलपुर जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी और एसएसपी आनंद कुमार की मौजूदगी में जिला शांति समिति समेत शहर के सभी पूजा समिति के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातें रखी। इस दौरान डीएम ने शांतिपूर्ण माहौल में पर्व त्योहार मनाने की अपील करते हुए सभी थानाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। डीएम नवल किशोर चौधरी ने कहा कि किसी भी पूजा या त्योहार में डीजे प्रतिबंधित रहेगा। सभी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी और उस इलाके के पूजा व शांति समिति के सदस्यों द्वारा आपसी सहयोग से त्योहार संपन्न कराया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था या परेशानी की स्थिति उत्पन्न न हो। इस दौरान एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि त्योहार के दौरान सभी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहेंगे। शहर का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस पूरी तत्परता से आम लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार रहेगी। इसके अलावा बैठक में पिछले दिनों प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और विवाद को लेकर भी विचार विमर्श की गई, जिससे इस तरह की घटना शहर में दोहराई न जाए। इधर शांति समिति एवं पूजा समिति के सदस्यों ने भी शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने के लिए अपनी ओर से हर संभव सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिलाया। मौके पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी एसपी राज, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह समेत काफी संख्या में शांति समिति और पूजा समिति के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूर्णिमा एवं शबे बरात को लेकर के अभी एक बैठक आयोजित की गई थी और आगामी हमारा एक बड़ा पर्व महाशिवरात्रि भी है और एक लोकतंत्र का महापर्व है। सभी अवसरों को देखते हुए शांति समिति के विभिन्न सदस्यों के साथ हम लोग की बैठक की गई है। शांति समिति के सदस्यों के द्वारा कई सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें इन लोगों ने ये प्रस्ताव को पारित किया है कि डीजे का किसी भी पर्व में डीजे बंद हो। शांति समिति के सभी सदस्यों ने पारित किया है। दूसरा कि यदि शहर में एक निश्चित क्षमता से अधिक साउंड डीजे बजता है, उन सबको भी प्रतिबंधित किया जाए। तीसरा कि सभी सदस्यों ने ये जिम्मेवारी लिया है कि हम अपने इलाके में जितने भी पर्व हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से कराएंगे। और कुछ जगहों पे साफ़ सफाई को लेकर के इश्यूज़ था जो हमने विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित किया है। और हमारे चूँकि अभी सभी अधिकारी नए हैं, खास करके सभी थाना प्रभारी, सभी सीईओ, कुछ हमारे वीडियो नए हैं और कुछ सीनियर ऑफिसर भी नए हैं, उससे मैंने इंटरेक्ट कराया है शांति समिति के सभी सदस्यों को। और हमने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वो छोटे छोटे मोहल्लों में जाकर के भी छोटी छोटी बैठकें कर ले, ताकि वहाँ की जो आम समस्या है उससे भी रूबरू हो जाए और उससे परिचित भी हो जाए, ताकि उनकी समस्या कभी कुछ हो तो हम लोग तुरंत गाइड कर सकें। मुझे भरोसा है कि सभी पर्व को हमारे शांति समिति के सदस्यों के साथ हमारे सभी अधिकारीगण काफ़ी बेहतर तरीके से इस पर क्या अपील करेंगे सर इस पर्व पर? मैं आम जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग सभी पर्वों को एक दूसरे के साथ मिल करके और एक समरसता के साथ, एक सौहार्द के साथ सेलिब्रेट करें, ताकि हमारा भागलपुर का नाम हमेशा इन चीज़ों में अव्वल रहे और लोग गर्व से कह सकें कि भागलपुर में एक शांतिपूर्ण माहौल है और शांतिपूर्ण तरीके से सारे पर्वों का निष्पादन हुआ है। समिति, जिला शांति समिति और नार्थ नगर शांति समिति दोनों के सदस्यों के साथ एक लंबी मीटिंग हमारे डीएम साहब के और जितने हमारे पदाधिकारी बने उनके साथ हुआ है। आगामी जो कल एक माघी पूर्णिमा का त्यौहार है, उसके बाद फिर शबे बरात है और शबे बरात में भी जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ पे लोग इबादत करने जाएंगे और जितने भी महत्वपूर्ण रास्ते हैं, सभी रास्तों और स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। जहाँ पर कोई भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको भी नोट किया गया है, उनको भी हल करने का प्रयास किया जा रहा है और सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। और हम लोग जो हमारी QRT है वह भी लगातार पूरे रात्रि में मोबाइल रहेगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और सभी शांति समिति के सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र में तैनात रहें। पिछले दिनों जो पुनरावृत्ति नहीं हो। बिहार के भागलपुर शहर के चर्चित हत्याकांडों में से एक, बिहार स्टेट बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष सब भागलपुर के चर्चित एवं सीनियर क्रिमिनल लॉयर कामेश्वर पांडे और उनके घर पर काम करने वाली दाई रेणु देवी हत्याकांड मामले में करीब 4 वर्ष बाद बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें भागलपुर व्यवहार न्यायालय के ADJ 11 हब्बीर सिंह बघेल की अदालत ने सजा सुना दी है।
बता दें कि गुरुवार को कोर्ट ने हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त गोपाल भारती को दोषी करार दिया था, जबकि कांड में गिरफ्तार एवं चार्जशीटेड दो अभियुक्त राजकुमार सिंह एवं रवीश कुमार को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। वहीं इस मामले में सरकार की ओर से बहस में हिस्सा लेने वाले अधिवक्ता एपीपी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि एडीजे 11 की कोर्ट ने धारा 302 एवं धारा 380 के तहत दो मामले में गोपाल भारती को सजा सुनाई है, जबकि दोनों ही मामले में गोपाल भारती पर 10,000 रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया है। बता दें कि 5 मार्च 2020 को स्टेट बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष 80 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कामेश्वर पांडे और उनकी दाई की हत्या उनके नवाब कॉलोनी स्थित आवास पर कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे बिहार में इस खबर से सनसनी फैल गई और अधिवक्ताओं में इसको लेकर काफी आक्रोश भी देखा गया। भागलपुर जिला परिषद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद से दो गुटों में बटे जिला परिषद सदस्यों के बीच लगातार उथल पुथल जारी है। जिला परिषद सदस्यों में रणनीतिक उठापटक का दौर भी चरम पर है। शुक्रवार को जिलाधिकारी के साथ हुई बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह अपने समर्थकों के साथ जिला परिषद में शामिल नहीं हुए, जबकि दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले गुट के 18 जीप सदस्य ने बैठक में शामिल होकर डीएम के समक्ष वोटिंग में हिस्सा लिया। इसको लेकर जीप सदस्य मिथुन कुमार ने कहा कि 18 जिला परिषद सदस्य द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया गया, जिसके बाद डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि बहुमत नहीं होने के कारण जिला परिषद के चेयरमैन अनंत कुमार स्वतः पदमुक्त हो गए हैं और फिलहाल अध्यक्ष पद रिक्त माना जाएगा। मिथुन कुमार ने जिलाधिकारी को आई फोन के बाद आशंका जताते हुए कहा कि डीएम ने किसी दबाव में अंतिम रूप से फैसला नहीं सुनाया, जबकि इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई के नाम पर टालमटोल करने का आरोप भी अविश्वास प्रस्ताव के समर्थक पार्षदों द्वारा लगाया गया। इस दौरान सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना पर बैठे पार्षदों को समझा बुझा कर धरना हटवाया, जिस पर पार्षद काफी आक्रोशित हो गए और जीप अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों की मिलीभगत से मामले को टालने और क्षेत्र में विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाने लगे। हालांकि जिलाधिकारी द्वारा अंतिम फैसला आने पर ही इस मामले की पूरी सच्चाई लोगों के सामने आ पाएगी। बहरहाल सह और मात के इस खेल में एक पक्ष जहां मामले को टालने की जुगाड़ में है, वहीं दूसरे पक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप अपने शीर्ष पर है। अब देखना यह है कि अविश्वास प्रस्ताव का फैसला अंतिम रूप में किसके पक्ष में जाता है। जो विपक्षी थे, जो अध्यक्ष थे वर्तमान में, वो लोग तो आए नहीं, सब लोग फरार हैं। हम लोग आए, अपना डीएम सर आए, जो था हम लोगों ने आरोप लगाया था, आरोप हम लोगों का सत्य हुआ। मत विभाजन हम लोग ने किया। मत विभाजन में हम लोग 18 आदमी उसके खिलाफ में रहे और डीएम साहब ने सब मत विभाजन को कॉल करके उसके बाद हम लोगों के बीच में घोषणा भी किए कि आज से उनका रिक्त हो गया और हम लोग अब इसके लिए पढ़ के हम लोग चुनाव आयोग को भेज दें। क्या रिक्त हो गया? अध्यक्ष का कुर्सी रिक्त हो गया, चुनाव आयोग को हम लोग भेज देंगे। वहां से जब फिर आदेश आएगा चुनाव का, तो फिर हम लोग चुनाव का डेट उस पर चुनाव कराएंगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर।
ग्रामीण बैंक के नीचे हटिया रोड तिलका मांझी भागलपुर बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल ने गुरुवार को भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद ने कहा कि भागलपुर सिल्क सिटी को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में बड़ी सौगात मिली है, जो लगभग बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा। निरीक्षण के बाद सांसद ने कहा कि फिलहाल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कई कमियां पाई गई है, जिसे दुरुस्त करना होगा। सांसद अजय कुमार मंडल ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर सभी कमियों को दूर करना है और सुधार नहीं होने पर यहाँ के इंजीनियर एवं ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सांसद ने कहा कि बिहार सरकार से 30 करोड़ रुपए नहीं मिल पाने के कारण कुछ कार्य रुका हुआ था, लेकिन अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए राज्य सरकार द्वारा सारा पैसा दिया जा चुका है। इसके बावजूद अस्पताल में कई तरह की कमियां देखने को मिली, जिसके लिए विभाग के पदाधिकारी भी जिम्मेदार हैं। सांसद अजय मंडल ने निरीक्षण के क्रम में वहां काम करने वाले इंजीनियर को भी फटकार लगाते हुए सही फिनिशिंग करने का निर्देश दिया है। इधर नोडल ऑफिसर डॉक्टर महेश कुमार ने कहा कि अस्पताल में मार्बल की सही तरीके से घिसाई नहीं की गई थी, इसके अलावा भी वहां कई कमियां पाई गई हैं, जबकि हर स्तर पर लोकार्पण से पहले अस्पताल में काम की फिनिशिंग बहुत ही जरूरी है। बढ़िया है, इनके लिए निर्देश दिया गया, यहाँ के इंचार्ज हैं उनको भी, यहाँ के जितने विभाग जो विभाग यहाँ काम कर रहे सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि विगत एक हफ्ते के अंदर अविलंब इसको सुधार लिया जाए और फिर इसका एक हफ्ते के अंदर मैं इसका एक बैठक रखूँगा। आपके स्तर से क्या प्रयास किया जा रहा है इसको जल्द से जल्द? जब मैं अगले बार निरीक्षण में आया था तो मुझे यहाँ से मालूम चला कि बिहार सरकार का 30 करोड़ रुपया नहीं मिला है, इसके लिए काम रुका हुआ था। मैंने बिहार सरकार में जा करके कह करके इनको 30 करोड़ रुपया दिला करके बिहार सरकार का टोटल पैसा का भुगतान करा दिया। कई कमियां आपने देखी? हाँ, बहुत सारी कमियां इनका देखा गया। जो त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन काम करा रहा है उनका कमियां पाया गया, और उस कमियों में कहीं ना कहीं CPWD के जो देख रेख पदाधिकारी हैं विभाग के, उनका भी कमियां पाया गया, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तब ने त्रिवेणी का गलत किया है। मैंने रोड का भी निरीक्षण किया, पार्किंग का भी, पार्किंग में भी काफ़ी त्रुटियाँ मिला। दीवार वगैरह जो दिखा गया उसमें फिनिशिंग नहीं दिया गया, कई जगह जो इनका चौखट लगा हुआ है उसमें भी काफ़ी खराबियां मिला। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मखना गांव में शिव मंदिर के परिसर में 8 जगह पर प्लास्टिक के गैलन मिट्टी के अंदर तखाना बनाकर मसालेदार देशी शराब बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से शराब बनाने का खेल मखना गांव में बड़े पैमाने पर चल रहा है। शुक्रवार को मंदिर परिसर में कुछ बच्चे खेल रहे थे, खेलते समय बच्चे का पैर जमीन में धंस गया, जिसके बाद जमीन की खुदाई की गई तो जमीन के अंदर बने तहखाने में गैलन में भरा देशी मसालेदार शराब मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने जगदीशपुर थाना अध्यक्ष को दी। घटना की सूचना पाते ही थाना अध्यक्ष गणेश कुमार अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन को खोदकर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 8 जगह पर प्लास्टिक गैलन में भरा देशी मसालेदार शराब बनाने में उपयोग मटेरियल को बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। खुदाई में पुलिस ने 9 लीटर विदेशी शराब भी बरामद किया है। मामले में पुलिस 2 युवकों को गिरफ्तार कर फिलहाल पूछताछ कर रही है।